नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऐसा लग रहा है कि हवा बदल रही है। मैं कह रही हूं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मोदी जी के भाषणों में भी वो संकेत मिलने लगे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनके दोस्त, उनके प्यारे लोग भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज तेलंगाना की धरती से जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी जो पिछले 5 सालों से सुबह से अदानी और अंबानी का माला जपती थी, आज क्या वजह है कि ये लोग जब से चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं तब से अदानी और अंबानी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। बताएं कि क्या पैसे उनको मिल गए हैं। इस तरीके का लांछन आज मोदी जी ने लगाया है कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर कि ऐसा लग रहा है कि उनको पैसे मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई डील हो गई है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री का वो स्पीच का वो अंश जहां पर वो राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर अब काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हवा बदलने की। उसमें से कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश की, उसको आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा। माला जपना शुरू करते थे जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला राज, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। दाल में कुछ काला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी वाकई में इस बात से परेशान है कि अदानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, क्या हवा बदल रही है? क्योंकि अगर मोदी जी को भी भनक इस बात की लग रही है कि अदानी और अंबानी की जो लॉयल्टी है वो खिसक कर अब राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रति हो गई और मोदी जी इससे परेशान है और कांग्रेस को वो मजबूर कर रहे हैं कि अब तो बताना ही पड़ेगा, अब तो इसकी घोषणा भी करनी पड़ेगी, अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी कल भी एक झारखंड की रैली में उन्होंने अदानी और अंबानी पर राहुल गांधी बरसे थे। 5 मई को भी एक रैली हुई थी जिसमें वो अदानी और अंबानी पर बरसे थे। अब या तो मोदी जी राहुल गांधी का भाषण सुन नहीं रहे हैं, लेकिन इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, उसको देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अनूप, अगर आप बैक स्टेज में है तो उस ट्वीट को आप जरा प्ले करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये ट्वीट आया है। जयराम रमेश ने एक काफी डिटेल्ड ट्वीट लिखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ देती हूँ। जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कि उन्होंने लिखा है, द टाइड ऑफ दिस इलेक्शन हैज टर्न्ड सो वायलेंटली दैट द पप्पा ऑफ हम दो, हमारे दो, इज टर्निंग ऑन हिज ओन चिल्ड्रन। द मैन हु कलेक्टेड 8,200 करोड़ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर हिज पार्टी, अ स्कैम सो इग्रेगियस दैट इवन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
is today leveling allegations on others. Remember that through his Char Raste, the Prime Minister has given contracts and licenses worth 4 lakh crore to his cronies in return for their donations. If today 21 Indian billionaires have as much wealth as 70 crore Indians, it is all thanks to PM's intentions and his policies. It goes without saying that Hamare Do are key figures in those 21. Ab aage dekhiye unhone kya likha hai. Since 28th January 2023, INC India has repeatedly demanded the formation of a joint parliamentary committee to investigate the Modani scam. Jo Hindenburg ka mamla tha, uske liye likh rahe hain. We reiterated this demand even after the elections began on April 23rd, 2024, and just 5 days ago on May 3rd, 2024, since April 3rd, 2024, Rahul Gandhi has mentioned Adani 103 times. Yani ki Adani ka naam Rahul Gandhi ne 103 baar liya hai, Ambani ka 30 baar se zyada liya hai. Aur phir Jairam Ramesh likh rahe hai ki ek JPC ka gathan hoga. JPC will be formed as soon as the India Alliance comes to power on June 4th, 2024. To investigate the Modani scam, which has an estimated price tag of at least 2 lakh crores. Defeat is a foregone conclusion. Prime Minister is now spooked even by his own shadow. To JPC ka gathan hoga agar India Alliance ki sarkar aayegi. Lekin Adani aur Ambani kya waqai mein Modi ji ka saath chhod rahe hain? Kya lagta hai? Is par hamare saath Anil Sinha ji hain, varishth patrakar, political commentator, jud rahe hain. Anil ji, aapka bahut bahut swagat hai. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कि भाई कांग्रेस को घोषणा करना पड़ेगा, वो बताएं कि उनके कोई डील हो गई है क्या अदानी अंबानी के साथ, क्या कहेंगे सर इस पर? पहले तो मोदी जी को डर लगने लगा कि उनके दोस्त ने उनका साथ छोड़ दिया। नहीं, अभी तो आपका ये, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हवा बदल रही है और इस हवा के झोंके उन तक पहुँच रही है, मतलब झोंके नहीं कहिए, ये आग जो है, जो लपट है, लॉ है, वो वहाँ तक पहुँच रही है, इसका एहसास हो रहा है प्रधानमंत्री को, ये क्लियर है। अब है क्या कि लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ, जो आप बोल रही हैं क्या कि ये जो हम मतलब उनको डर लग रहा है या लोग चले गए, ये किस तरह का जो आरोप लगाया है खुद ही उन्होंने कि बता रहे हैं इसका मतलब कि शिफ्टिंग ऑफ लॉयल्टीज हुआ है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया है खुद ही। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि क्या वो इस ये जो है ये एक धमकी है अदानी अंबानी और जो कॉरपोरेट है और कांग्रेस को, दोनों को, मतलब राहुल गांधी को भी ये धमकी है और उनको भी एक धमकी है कि अगर तुम गए तो हम कुछ करेंगे। ये खुली चुनौती है, खुली धमकी है, क्योंकि वो अदानी का जहां तक सवाल है, अदानी अंबानी दोनों मानिए, लेकिन अदानी का कम से कम, कि अदानी के मामले में हिंडनबर्ग का मामला हो या मतलब वोट्स देने का बहुत सारे जो मामले हैं, ये सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए, राहुल गांधी संसद में, संसद से बाहर सब करते रहे, और आपने देखा कि उनका नाम लेने की ही वजह है कि उनकी संसद की सदस्यता चली गई, वही इशू था, उसको ही उन्होंने उठाया था, उसके तुरंत बाद उनका डिफेमेशन केस खोल करके और उनको उनकी सदस्यता ले ली गई। अडानी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि हिंडनबर्ग के मामले में सरकार ने एक जरा भी कुछ नहीं किया और उनको डिफेंड करते रहे, बल्कि स्टोरीज गवर्नमेंट की तरफ से आई कि हिंडनबर्ग का मामला जो है एक विदेशी साजिश है इंडियन कॉरपोरेट के खिलाफ, उसको एक नेशनलिज्म का भी इशू बनाने की कोशिश की थी इन्होंने कि भारतीय उद्योगपति के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिसका हिस्सा कांग्रेस भी है। तो अडानी को सेव करने के लिए, अडानी का नाम नहीं गलती से वो लेते थे, वहाँ जब सवाल पूछे गए तो उसके जवाब नहीं कभी दिया उन्होंने, तब वो अडानी को मेंशन कर रहे हैं उसका नाम, उन्होंने उद्योगपतियों का सिर्फ नाम नहीं लिया है, स्पेसिफिकली खास तौर पर उसका नाम लिया है। ये निश्चित तौर पे एक हवा बदलने का संकेत है, साथ में एक धमकी भी है जो कि राहुल गांधी और उनको कहा कि अगर वो बदल रहे हैं, क्योंकि सरकार तो उनके हाथ में है, चुनाव आए तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपने देखा है कि नहीं, जितना धमकी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये खुले शब्दों में आज प्रधानमंत्री मंच से क्या अदानी को धमकी दे रहे हैं कि भाई खबरदार अगर आप उधर गए तो? अदानी अंबानी को तो धमकी दे ही रहे हैं, राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं
कि अगर मेरे बंदे से अगर आपने चंदा लिया, जो वो लगा रहे एलिगेशन, तो तुम्हारा खैर नहीं। मतलब वो दोनों को धमका रहे हैं कि आप दोनों मिलो मत। अब ये सोचिए कि जो शख्स जयराम रमेश का ट्वीट एकदम सही है कि जो आपने चंदे लेकर के लाखों करोड़ के इनको धंधा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेकर के, और आप अभी इसकी बात कर रहे हो। दूसरा एक और चीज है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर वो जो कह रहे हैं अपने अडानी अंबानी को, इसका मतलब उनको उनके पास क्या कॉन्क्रीट कोई एविडेंस, मतलब कॉन्क्रीट उनको ये जानकारी है इसका मतलब कि ये लोग कॉरपोरेट जो है शिफ्ट हुआ है कॉरपोरेट का लॉयल्टी और वो मदद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है ये, सवाल उठता है ये कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी करती है, वो अपना हिसाब पहले देना। हाँ नहीं नहीं, लेकिन आज ये भी तो बात है ना कि भाई कांग्रेस के अकाउंट्स को तो फ्रीज कर दिया था मोदी जी ने, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन उसी तरह से चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे जमीन पर हो, घर घर उनकी बातें पहुंच रही हैं। तो अब ऐसे में मोदी जी को क्या शक हो गया है कि भाई पैसा तो जा ही रहा है, तो हो सकता है अदानी अंबानी का उन्होंने नाम लिया हो, क्योंकि सबसे बड़े जो दो उनके प्यारे लोग हैं उनका नाम ले लिया, लेकिन ये बाकी कॉर्पोरेट्स को भी मैसेज है कि खबरदार अगर आपने अपनी लॉयल्टी चेंज किया। बाकी जब नंबर वन और नंबर टू के साथ पांच का नाम ले रहे हैं, वो पांच उद्योगपति का नाम लेते थे, इसका मतलब कि पूरा कॉर्पोरेट जगत को उन्होंने चुनौती दी है, और चुनौती ने मतलब उनको धमकाया है। साथ में एक चीज और मैं इसको जोड़ूंगा कि कल परसों मतलब दो दिन पहले अर्णब गोस्वामी का इंटरव्यू चल रहा था अमित शाह के साथ, उसमें उसने सवाल किया था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे, मतलब इनके खाता फ्रीज करने के बारे में कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि खाता उनका फ्रीज हो गया है, लेकिन उनका इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रहा है। इसके मतलब यह है कि उसका खाता फ्रीज करके इनको लगा था कि कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएगा। तो इनको ये, इनका कहना यह है कि उनके पास फिर पैसे कहाँ से आए। मतलब आप देखिए, आप सोचिए जरा सा जो तरीका है इस तानाशाही का भी, मतलब समझिए कि मतलब गुंडागर्दी है सीधे सीधे कि भाई उनका हमने तो फ्रीज कर दिया था, तो फिर उसके बाद वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं चुनाव लड़ने का और चुनाव का खर्चा। तो वो उस समय कहा था, और अब इसको जोड़ करके देखिए, इसको मतलब अमित शाह भी कह रहा था कि इनको पैसे मिल रहे हैं, बोला कि आखिरकार पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं इनके पास। और ये जो है, हम तो यही कर रहे थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लीजिए और क्या कहते हैं ब्लैक काला धन नहीं आए, तो इसका मतलब ये है। लेकिन ये नहीं, लेकिन सवाल तो लोग पूछेगा ना कि तुम्हारा खर्चा कौन चला रहा है, आपके पास इलीगल मनी है जो कि, लेकिन वही कॉर्पोरेट अगर बीजेपी के साथ है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो फिर वो अपराधी हो जाएंगे। हाँ ये देख लीजिए, ये जो है ये तो क्लियर कट बोल रहे हैं वो कि आप दोनों का डील हो गया। देखिए ये इशारा नहीं है, वो कह रहे हैं क्या कि आपके बीच डील हो गया। अच्छा ये प्रधानमंत्री, देखिए अगर मान लिया कि कोई गौरव भाटिया, या नाम नहीं लेना चाहिए आपके शो में तो और भी है, मतलब कोई अगर प्रवक्ता अगर ये नाम ले तो कि इस तरह का, तो उसका उसकी उसके मतलब उसको तो माफ करेंगे कि भाई वो प्रवक्ता है, वो कुछ भी बोल सकता है। प्रधानमंत्री ही अभी तक है वो ना पद पे, उनके पास सारी एजेंसियां हैं, और तब आप बोल रहे हो कि ये करना, इसका मतलब कि या तो आप छापा डालने वाले हो, रोकने वाले हो, कुछ करने वाले हो। मतलब ये जो चार चरण का चुनाव है, इसको आप अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो ब्लडी वार होने वाला है, क्योंकि अब ये जो इतनी सीटों पर उनको अंदाजा लग गया है कि हम मेजोरिटी में आ नहीं रहे, बहुमत मुझको मिल नहीं रहा है, तो वो उसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं। उन्होंने उसको भी धमकाया, बिल्कुल एक खुले शब्दों में एक ओपन मंच से प्रधानमंत्री ने ये धमकी दे दी है, और साथ में वो ये भी स्वीकार चुके हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं बन रही, ये भी तो स्वीकारा उन्होंने ये बोल के। हाँ और क्या, उन्होंने बता ही दिया कि डील हो गया, इसका मतलब क्या डील, अगर अडानी अंबानी अगर कांग्रेस के साथ डील कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसकी सरकार आ रही है, उनको भी अंदाजा हो गया है। या नहीं तो एक चीज और मैं इसका अर्थ निकालूंगा, उनको लग रहा है कि अगर सरकार अगर अगली आनी है तो कॉरपोरेट में, अब कॉरपोरेट चाहता है कि ये इनकी सरकार ना रहे, मतलब वो भी अब त्रस्त है, जो बिजनेस हाउसेस हैं इनका जो एक्सट्रैक्शन चल रहा होगा,
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो दिखाई दिया साफ साफ, और इसमें तो इसकी चर्चा कर नहीं रहा है लोग, लेकिन वो पता नहीं क्या किया कि नहीं, वो एस्ट्राजेन ने ले लिया, ये क्या कहते हैं विड्रॉ कर लिया वैक्सीन ये ग्लोबल। आप बताइए जो वैक्सीन विड्रॉ करना पड़ता है वो वैक्सीन आपने लगवाया और चंदे ले लिए उससे, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं अब। लेकिन देखिए एक चीज और इंडिकेट करना चाहिए पॉलिटिकली, अगर इसका मीनिंग ये जो धमकी है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक पॉलिटिकल मीनिंग भी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि वो जो उन्होंने अब गोल पोस्ट जिसको कहते हैं शिफ्ट करना वो किया है उन्होंने, जो राम मंदिर और ये जो कल तक चल रहा था हिंदू मुसलमान पाकिस्तान खूब जोर लगाया, लेकिन तीसरे चरण के बाद लग गया कि साष्टांग दंडवत करने के बाद भी और क्या कहते हैं अयोध्या में रोड शो करने का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो ना अब उन्होंने अपना ये जो है फोकस बदल लिया है, अब वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ गए। तो मतलब आप ये कंसिस्टेंसी उनके इनकंसिस्टेंसी में है कि वो जो है शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि कोई नैरेटिव उनको मिले और कोई नैरेटिव वर्क नहीं कर पा रहा है, तो कभी भ्रष्टाचार पर आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पर आते हैं, कभी शहजादा और ये सब पर आते हैं, मतलब हर तरह की कोशिश चल रही है। ये भी उसी कोशिश में कि चौथा चरण के बीच में जो 7 दिन बचा हुआ है 6 दिन उसमें वो अब भ्रष्टाचार में कांग्रेस को से लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का लग रहा है। जब वो पूछ रहे हैं कि आपने नाम बंद कर दिया, देखो बंद नहीं है, मतलब जो आज का जो उनका भाषण है मोदी जी का, अब अगले जो चौथा चरण ही है 13 मई को, तो क्या आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी जी घेरेंगे कांग्रेस को? सिर्फ मुद्दा नहीं है वो, अब ये जो आप देखें क्या कि वहां के मंत्री के पीए के यहाँ छापे पड़े झारखंड में, अब आप ये देखेंगे कि ये जो ईडी और आईटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो एकदम उसके सारे घोड़े खोल दिए जाएंगे, और वो जो है जो लोकल लेवल पे भी पैसे, और चुनाव आयोग भी जो कैश ये कर रहा, चुनाव आयोग को ये पता नहीं है क्या? चुनाव आयोग वहाँ तो जो सोर्स है उसको, तो अब चुनाव आयोग ज्यादा आक्रामक हो जाएगा अपोजिशन लीडर्स पर, अपोजिशन लीडर्स पर आक्रामक हो जाएगा, उनकी रैलियों और इसके खर्चे के बारे में बात करेगा, वो जो है वो कैश उनका कहीं जा रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अब जो है अब उनका देख लीजिए ये कि फिजिकली कोशिश करेंगे वो कि ताकत लगाकर उनकी उनका जो प्रोग्राम कैंपेनिंग चल रहा है राहुल गांधी का पर्टिकुलर के लिए, राहुल गांधी और अदर्स का भी, उसको वो बाधित करने की कोशिश करेंगे इसके नाम पर कि आप पैसा कर रहा है। ये मैं देख रहा हूँ धमकी सीधे कह रहे डील हो गया, पैसा आप ले रहे हो, टेम्पो का टेम्पो पहुंच रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नहीं, जब वो कह रहे थे टेम्पो के बारे में बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने देख लिया कि टेम्पो में पैसा भरा हुआ उतर रहा है कांग्रेस के लेकिन आपको ये लग नहीं रहा है क्या कि ये एक तरह का दुःस्वप्न है जो कि आप नींद में आप जग जाए और आपको लगे कि अरे ये तो टेम्पो में पैसा निकल रहा है, इन लोग के पास कहाँ से आ रहा है? उस दिन ही हमको लगा था, अमित शाह ने कहा था कि उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब हमने तो रोक दिया था उनका खाता बंद किया, तो उसके बाद भी वो कैंपेन कर रहे हैं, बताइए मतलब कि वो ये कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। और ये तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बौखलाहट के साइन है कि भाई आपने जो गलती की थी उस गलती को अब आप कबूलने पर मजबूर हो गए हो अपने इस वक्तव्य से, स्टेटमेंट से। अब देखें कि इसको जरा सा इसको और फैला करके हम लोग देखें, एक तो उन्होंने मुद्दे के रूप में कोशिश की सब राम मंदिर वगैरह कितना खर्चा किया और कितना ये किया सब लगाया, आप देख रहे हैं क्या कि सरकारी तंत्र का उपयोग करके सारे जगह प्रचार कर रहे हैं, वो सब जगह सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है, वो चुनाव आयोग नींद में सोया है इसीलिए वो तो कर रहा है, उसके बाद लेकिन अब इससे भी उनका काम नहीं चल रहा है, तो अब वो जो है सो ईडी और इसका वो भी कर लिया उन्होंने, लेकिन अब वो कैंपेनिंग रोकना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं क्या कि इनको कैसे जो है किसी तरह से रोका जाए ये से कैंपेनिंग करने से, ये मुझको इसका इरादा लग रहा है। अब देखिए मतलब मैंने जो कहा आपको कि ब्लडी वार होने वाला है, ये चौथा चरण तो आपको समझ लीजिए कि आप में इसमें कई तरह के देखेंगे काम, और इसमें इनका मीडिया जो सबसे बड़ा सहयोगी संगठन है ये मोदी जी का वो है मीडिया, वो लगातार अपना चालू है, जैसे कि
लालू जी ने बोल दिया आरक्षण के बारे में एक लाइन कहीं पे, बस उसको लेकर के उड़ने लगा। अब अभी इसके बारे में अभी देखा नहीं मैंने उनका क्या रवैया है, लेकिन अब आप देखिए कि कांग्रेस के पास किसका पैसा आ रहा है। लेकिन मुश्किल ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि जो मीडिया है अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ज्यादातर मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अंबानी और अडानी के पैसे लगे हुए हैं उसमें। अब इसको कैसे चलाता है अडानी का चैनल और अंबानी का चैनल, वो जरा देखने देखने लायक। अब ये बताइए कि क्या गोदी मीडिया को अब ना चाहते हुए भी अब अपनी लॉयल्टी या बैलेंसिंग एक्ट में लग जाएंगे आप? लेकिन आपने एक बार आपने एक इस पर हम लोग नहीं आप लोग हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया और हर जगह लोग बोल भी रहे हैं कि गोदी मीडिया में भी बहुत कम लेकिन चेंज दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोदी मीडिया के चेंज से भी इनको बौखलाहट हुई है? क्योंकि कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस जो है, मतलब मैं नहीं मानता कि वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इनके सहूलियत के नहीं है और इनके मतलब इनकी प्रशंसा के नहीं है। कम से कम क्वेश्चंस तो एक दो हुए हैं, जवाब के बाद काउंटर क्वेश्चन भले ना हुआ। कि वो दिन लद गए जब मोदी जी से लोग पूछते थे कि अरे आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, आपको वो सवाल नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। इसका नहीं, इसका इंडिकेटर तो मैं देखा मैंने कि दो जो नाम ले ही लें तो कोई हर्ज नहीं है, अर्णब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और राहुल कंवर, ये लोग कभी उस तरह की बात बोल मतलब कुछ नहीं। सुधीर चौधरी तो अभी भी फिर आ गया है अपना पुराने लोटा है, लोटा तो इधर उधर गया, फिर अपना जगह ले लेता है ना, जो बेपेंदी का लोटा होता है वो उसका यही प्रॉब्लम है, इधर से उधर करते हैं तो मैं फिर सेंटर में आ जाता है, तो वो वही है, उसका छोड़ दीजिए। लेकिन ये अपना जो है अर्णब गोस्वामी, उसने अमित शाह का इंटरव्यू में मुझको लगा कि काफी कुछ पूछा। हालांकि दो भक्त जो है एक बड़े चैनल सबसे बड़े देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस के, उनका जो उनका भक्ति भाव और उनके आंखों में जिस तरह से संवेदन मतलब आंसू आ गए थे, दो दो जो है एक मोहतरमा और एक मोहतराम, तो वो उनका उनको देख करके लगता है कि अभी भी गोदी मीडिया को गंगा में 10-50 बार नहाना होगा, अपना जो जो गंदगी उन्होंने अपने शरीर पर डाल दी है उसमें नहाने के लिए। गोदी मीडिया अभी बहुत नहाएगा बनारस में तो भी उसका काम नहीं चलेगा, वो गंदगी साफ हो। हवा तो बदल रही है आज मोदी जी के इस भाषण से, बिल्कुल साफ हो गया है, इतना ही अभी कहेंगे, लेकिन अब आगे आगे चरणों में किस तरीके से पूरा नैरेटिव बनता है वो देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर।